नमस्कार, पब्लिक एजेंडा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अमेजोन हो या नेटफ्लिक्स हो या फिर सेक्रेट गेम्स हो या फिर मिर्जापुर, इन दिनों हर जगह आज के युवा वेब सीरीज के दीवाने हैं। हाथ में मोबाइल और कान में ईयरफोन लगाकर वेब सीरीज देखने में मग्न रहते हैं। इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा युवा वेब सीरीज देखने में खर्च कर रहा है और इन्हीं वेब सीरीज में आपको बता दें कि ज्यादातर कंटेंट अश्लील होते हैं, जिसकी तरफ आज का युवा आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। वेब सीरीज जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाली सीरीज, पिछले दो सालों में ही वेब सीरीज का जादू युवाओं पर कुछ इस तरह छाया है कि उनका अधिकांश समय वेब सीरीज देखने में ही बीत जाता है। इतना ही नहीं, कंटेंट का फ्री डाटा का 70% अब तक वेब सीरीज देखने में खर्च किया गया है। इसकी बड़ी वजह ये है कि उन्हें एक ही जगह पर हर तरह के कंसेप्ट और सेगमेंट को देखने का मौका भी मिलता है। इसमें सीरियल्स के साथ ही कई तरह की मूवीज बतौर पार्ट में अपलोड की जाती है, जिसके कारण युवा दिन भर में कई पार्ट इस वेब सीरीज के अंतर्गत देखना पसंद कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे हैं। जी हाँ, वेब सीरीज एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों को एपिसोड के जरिए अश्लील कंटेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये कंटेंट ऐसे होते हैं जो पहले किसी टीवी या फिर किसी बिग स्क्रीन पर नहीं दिखाए गए होते। इन फिल्मों और सीरियल्स को एक्सक्लूसिव सिर्फ वेब सीरीज पर ही रिलीज किया जाता है। नेटफ्लिक्स, बालाजी, उल्लू ऑल्ट सहित कई सीरीज के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में जारी सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया। जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एससी शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष केंद्र सरकार सहित पक्षकार बनाई गई सभी वेबसाइट और मोबाइल ऐप कंपनियों के वकील भी मौजूद रहे, लेकिन हर किसी ने इस दौरान कोर्ट से समय मांगा, लेकिन जवाब देने में असमर्थ रहे। एक तरफ सरकार तो चिंतित दिखाई दे रही है, लेकिन युवा पीढ़ी इन वेब सीरीज के जरिए अश्लीलता की ओर धकेली जा रही है। वेब सीरीज देखने के लिए युवा घंटों भी गुजार देते हैं। वेब सीरीज की फिल्मों में लगातार अश्लीलता बढ़ती जा रही है, ऐसे में युवा पीढ़ी अश्लील भरे समाज की तरफ धकेली जा रही है। अगर अभी इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसका स्तर और भी नीचे गिरता चले जाएगा। वहीं कोर्ट ने 4 सप्ताह में सभी को जवाब देने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अब इन 4 सप्ताह में क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आएंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट DNN। तो अमेजन हो या फिर नेटफ्लिक्स, सीक्रेट गेम्स हो या फिर मिर्जापुर, इन वेब सीरीज के जरिए अश्लीलता आज के युवा समाज में परोसी जा रही है, जैसे कि आपने तस्वीरों में अभी फिलहाल देखा रिपोर्ट में, जिस पर जल्द ही नियंत्रण लगाने की बेहद जरूरत है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। मणि प्रभा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वाहिद खान जो कि एडवोकेट है, और अंश पायन सिन्हा जो कि टीवी आर्टिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इस मुद्दे पर आप तीनों का एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे कि सबसे पहले बात मणि प्रभा जी आपसे क्या कुछ कहना है जिस तरह से अश्लीलता वेब सीरीज के माध्यम से आज परोसी जा रही है। देखिए, फिल्में पहले भी बनती थीं, पर एक सेंसर बोर्ड होता था जिसमें कि एक अभी हाल ही के डायरेक्टर ने इंटरव्यू में कहा कि पहले हम जो भी कंटेंट देते थे या दिखाते थे उसके लिए महीनों हमको सेंसर बोर्ड का चक्कर लगाना पड़ता था। जो एक मेन स्टोरी होती थी उस पर ही कहानियाँ घूमती रहती थी और उसी पर बन जाती थी। पर जब से ये वेब सीरीज़ आया है तब से उन्होंने कहा कि बहुत छूट हो गई है, आसानी हो गई है कि हम कुछ भी दिखा सकते हैं। तो वो एक और साल दो साल में ये बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ रहा है और आज की युवा जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी पर टाइम अभी तक दे रहे हैं। वाहिद खान जी, आपका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से वेब सीरीज चल रही है और वेब सीरीज में ज्यादातर कंटेंट आजकल अश्लील है इसमें? देखिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज हमारे देश में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जैसा मैं कहता आता हूँ कि सारी ऑल डेमोक्रेसीज आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ हर चीज के लिए कानून है और उस कानून के अंतर्गत ही काम किए जाते हैं। इसका जो एक्सेस है ये हमारे बच्चों पर, न्यू जनरेशन पर जब ये जा रहा है, देख रहे हैं, तो उससे उनमें बहुत बिगाड़ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ना मालूम कैसे शॉर्टकट से लगाकर ये सब हो रहा है। अदरवाइज हमारे पास इसके लिए पर्याप्त लॉ मौजूद हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए भी लॉ मौजूद हैं, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए भी लॉ मौजूद हैं, और उनको सम्मान से, उनकी जो मॉडेस्टी के लिए, उनकी उसके लिए रहने के लिए इज्जत से, सब कुछ हमारे पास है।
परंतु औरत को, महिला को इस तरह से यूज करना या उसको इनह्यूमन वे में बताना, उसकी डिग्निटी को वो करना, वो मैं समझता हूँ कि इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है और इस पर कानून मौजूद है और अगर फर्दर मॉडिफिकेशन की, कानून में अमेंडमेंट की या फर्दर बनाने की ज़रूरत है तो वो भी बनाया जाना चाहिए और बहुत जल्दी बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों पर, हमारी न्यू जनरेशन पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। जाहिर सी बात है वाहिर ट्री के इस पर नियंत्रण लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर अभी नियंत्रण नहीं लगाया तो जो आने वाला भविष्य है वो कहीं ना कहीं इस अश्लीलता भरे समाज में परोसा जा रहा है। लेकिन क्यों किसी अधिवक्ता का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया? याचिका तो लगाई गई है, क्योंकि अधिवक्ता ऑलरेडी बनाए हुए कानून को वो करते हैं, कानून इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, हमारे मतलब कानून को का एनेक्टमेंट करने के लिए, कानून को फॉर्मुलेट करने के लिए तो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हम लोग अधिवक्ता तो जो कानून ऑलरेडी होता है उस पर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है कि उनकी नज़र होती है, परंतु ये बात सही है कि इस तरफ नज़र नहीं गई है, क्योंकि इस तरफ अगर कोई हमारे समाजसेवी या कोई पत्रकार या कोई राजनेता का, जो कि वो उनका दायित्व ज़्यादा है समाज के प्रति, कानून बनाने के लिए हमारे असेंबली या हाउस के लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ध्यान देना चाहिए था, जिसको लेकर इसमें कोई नया इनेक्टमेंट अगर ज़रूरत पड़ रही थी तो वो इनेक्टमेंट का बनाया जाता और कानून बनाया जाता, जिससे कि इस पर कोई ना कोई अंकुश लगता और इस पर इसका दुष्प्रभाव समाज में फैलने से रोका जा सकता। वैसे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए या एडवर्टीजमेंट के प्रोहिबिशन के लिए उसकी मापदंड निर्धारित हैं, एक्ट मौजूद है, 1986 है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन एक्ट मौजूद है, इसके अतिरिक्त 107 आईपीसी है, 109 है, 509 है, 228 है जिसमें, 292 है आईपीसी जिसमें आप अश्लील लिटरेचर, अश्लील पिक्चर, पोर्ट्रेयल वगैरह का भी आप उस पर भी पाबंदी है, तो इस चीज़, ये चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन इन केस अगर हमें ऐसा लगता है समाज में, तो फर्दर इनेक्टमेंट अगर हो तो हमारे पॉलिटिशियंस उसके लिए आगे आएँ और डेफिनेटली इस चीज़ को महसूस करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं, हम सब उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर गौर करते हुए और कोई उचित कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो कानून वर्तमान में है उसका किया जाए, और अगर कहीं आवश्यकता हो तो कानून को बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए भी हो तो उसकी भी पहल की जाए। हमारे साथ फिलहाल चर्चा में अंश पायन सिन्हा, जो कि टीवी आर्टिस्ट है, वो भी जुड़े हैं। अंश, क्या वेब सीरीज में अश्लीलता को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको क्या कुछ समझ के वो बनाते हैं कि दर्शक सिर्फ युवा ही हैं, बच्चे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती? ये देखिए, जैसा मैम ने शुरू में कहा, मैम ने कि किसी निर्देशक का उन्होंने एक बयान अपनी बातचीत में कहा कि पहले जो सेंसर बोर्ड होता था, एक घिसी पिटी किसी कहानी होती थी और उसी के इर्द गिर्द अलग अलग तरीके की फिल्में रच दी जाती थी और बस वही आ रहा था। देखिए, ऐसा है कि अश्लीलता का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो हमें यह तय करना होगा कि हम अश्लीलता किस चीज़ को कह रहे हैं। अगर सच्चाई या समाज का आईना दिखाना अश्लीलता है तो फिर हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, है ना। और आर्ट और कला का ये सरोकार होता है समाज की जो गलत चीज़ें हैं उसे भी अपने तरीके से लोगों के सामने लाना। अगर कोई अश्लीलता दिखाई जा रही है या कहीं अत्याधिक हिंसा दिखाई जा रही है, तो जब वो फिल्म या वो सीरीज़ या वो सीरियल या जो भी है वो जब ख़त्म होता है, तो हम उसका विनाश भी तो दिखा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये भी तो दिखा रहे हैं कि अगर ये गलत है तो इस गलत का परिणाम ये है। तो अगर हमें परिणाम दिखाना है तो पहले हमें गलत तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर हम रावण ही नहीं दिखाएंगे तो हम राम ने उसका वध किया ये हम कैसे प्रूव करेंगे, है ना। तो हाँ, रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि 70% डाटा उसमें चला जाता है और ये सारी चीज़ें हैं अश्लीलता देखने में चला जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप फिल्म्स उठा के देखेंगे जो वेब सीरीज़ में रिलीज़ हो रही हैं, वो बहुत ही आर्टिस्टिक मूवीज़ हैं, उसमें बहुत अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हैं और बहुत उनका एक्टिंग लेवल बहुत हाई है और बहुत नई तरीके की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। हम कम्पीट कर रहे हैं, हम हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं वेब सीरीज़ के माध्यम से। हाँ, उसमें अगर थोड़ा बहुत हिस्सा हमको लगता है कि अश्लील है तो नो डाउट सेंसरशिप की ज़रूरत है, लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि जहाँ सेंसरशिप आती है वहाँ कई मुद्दे की चीज़ें और कई बहुत आर्टिस्टिक चीज़ें भी कटी हैं, ये हमने पहले भी झेला है। अनुराग कश्यप जी की बात करूँ तो अनुराग कश्यप जी की पहली फिल्म ब्लैक फ्राइडे करीब
12 साल अटकी रही थी और वो बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, अगर उसको समय पर रिलीज किया जाता। अंशु जी, आपने कहा कि हम हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं, हमारा बॉलीवुड जो है फिलहाल हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है, लेकिन क्या ये जरूरी हो गया है कि बॉलीवुड हॉलीवुड को टक्कर दे बकायदा अडल्ट सीन दिखाकर वेब सीरीज में? देखिए, फिर वही बात होती है ना, मैं जो पहले कह रहा हूँ कि अडल्ट सीन दिखाना और सच्चाई दिखाना दो अलग बातें होती हैं, है ना। अगर हम कोई चीज़ को अधिक मसाला लगा के प्रस्तुत कर रहे हैं, जो रियलिस्टिक है उससे ज़्यादा सररियलिस्टिक पे जाके प्रस्तुत कर रहे हैं तो गलत है। बट अगर हम रियलिस्टिक प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो अश्लील ना होकर, हाँ, हमें उसको कुछ हिस्सों में बांटना चाहिए कि ये एक समय सीमा, उम्र की सीमा होनी चाहिए जो कि तय कर दी जाए कि इस सीमा से ऊपर के लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक 24 साल के लड़के को कोई एडल्ट, जिसको आप कहते हैं अश्लील दृश्य देखने से रोकते हैं, तो आप क्या कंफर्म है कि एडल्ट सीन वेब सीरीज से हटा देने के बाद वो पोर्न नहीं देखेगा किसी और विदेशी साइट पर जाकर? क्या ये आप इस बात को लेकर के तय हैं, मतलब ये आप वादा करते हैं कि ऐसा होगा? नहीं होगा, इस चीज़ का वादा नहीं करते कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पहल करी जाए, इस चीज़ को बंद की जाए वेब सीरीज में जो अश्लीलता परोसी जा रही है साफ तौर पर, अडल्ट एक तरीके से अडल्ट सीन दिखाए जा रहे हैं, उस चीज को बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक अगर 1% भी समाज में सुधार हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पहल है। मणि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इंटरनेट की स्पीड और सस्ते डेटा पैक आम जीवन में बेतरतीब तरीके से बढ़े हैं, दखल दिया है, क्या ये भी एक मुख्य कारण है? जी, ये तो बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि जो चीज़ें पहले आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी देखने के लिए, टाइम लगता था, अब वो छोटे से छोटे बच्चे, 4th-5th के बच्चे भी नेट अवेलेबल है और कुछ भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक जो हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, हमारी सामाजिक मर्यादाएँ होती हैं, हमारे संस्कार हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी इतना खुलापन नहीं है कि आप कुछ भी दिखा सकते हैं, और वो दिखाने का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये हमको दिख रहा है। देखिए, दिखाना कुछ भी गलत और सही नहीं है, हमको पहले एज ए सामाजिक कार्यकर्ता मैं कहूँगी कि पहले जागरूकता ज़रूरी है, कुछ भी दिखाया जा रहा है वह किस रूप में दिखाया जा रहा है, कितना ज़रूरी है, हमारे सामाजिक मर्यादा में कितनी ज़रूरत है उन चीज़ों को दिखाने की, ये हमको मानना बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, जो चीज हमारे समाज के लिए नहीं है उस चीज को परोसा जाना, जबरदस्ती परोसा जाना, और युवा उसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो कि एक बेहद चिंताजनक विषय है। वाहिद जी, इन वेब सीरीज के जरिए जो युवा समाज में अश्लीलता बढ़ रही है उसके खिलाफ क्या कुछ कानून कदम उठाने चाहिए? वैसे तो ऑलरेडी न्यायालय में ये मैटर है अभी, इसके अलावा इसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट लॉ फॉर्मुलेट होने चाहिए, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो शायद ऐसा मुझे लगता है कि उन लॉज में भी कहीं ना कहीं और फर्दर एडवांसमेंट की और उसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ये चीज़ आज से अगर 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले हम देखें तो ये चीज़ नहीं थी और इसके बारे में लोग इतने वो भी नहीं थे। इसके अलावा हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे युवाओं में हमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत है और हमें मैच्योरिटी की ज़रूरत है। हम एकदम ऐसी चीज़ उनको बता दें तो वो उनके लिए इनडाइजेशन पे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मान लिया कि वो एक सच्चाई है, सच्चाई तो बहुत कुछ होती है, लेकिन ऐसी सच्चाई भी होती है कि जो समझी जाती है लेकिन उसको देखा ऐसा नहीं, वो पर्दे में होती है। तो इस प्रकार से अगर सच्चाई के नाम पर अगर इतनी वल्गैरिटी और इतना ओपननेस और इतनी ये सेक्स और ये सब दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी अभी उतनी मैच्योर नहीं। अगर वो मैच्योर हो, जैसे फॉरेन के लोग हैं वो उतने मैच्योर हैं, मेंटल स्टेटस उनका कुछ हमसे अलग है और वो उस चीज़ को अलग तरह से लेते हैं, हमारे युवा अगर उसको देखते हैं तो हमारे युवाओं में वो चीज़ दूसरे प्रकार से काम करती है, जो कि उन जहाँ ये सब हो रहा था पहले से जो मैच्योर है उन युवाओं में वो नहीं करती, इसलिए वो विचलित नहीं होते। हमारे युवाओं को निश्चित रूप से वो विचलित करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए उसके हिसाब से उस पर रोक होनी चाहिए और उसके लिए कानून होना बहुत ज़रूरी है। मणि जी, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि 15 से 30 वर्ष के जो युवा हैं वो ही इसका शिकार हो रहे हैं, या फिर जो बेरोजगार हैं ये वेब सीरीज अपनी चपेट में ले रही है उन युवाओं को? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 15 से 30 या उससे ज्यादा के उम्र के भी लोग देख तो सभी रहे हैं
और बेरोजगार जो हैं या रोजगार हैं, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है। देखिए किसी भी केबल कनेक्शन या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, टीवी की ज़रूरत नहीं है, एक अगर लैपटॉप भी नहीं है, बस आपके पास एक मोबाइल है, नेट है अगर, तो आप आराम से वेब सीरीज़ देख सकते हैं और जो आप देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो सब कुछ आसानी से उपलब्ध है आपको। तो हर उम्र के लोग देख रहे हैं इसको। अंश, भाषा शैली की अगर हम बात करें तो सीधे इस वेब सीरीज में देखा जाता है कि सीधे तौर पर गाली गलौज की ज़रूरत क्या पड़ जाती है इन वेब सीरीज में? देखिए भाई, मैं वही बात दोहराऊंगा कि जो हकीकत है उसी का आईना दिखा रही है वेब सीरीज, क्योंकि वहाँ सेंसरशिप नहीं है। अगर ये सेंसरशिप फिल्मों में नहीं होती तो फिल्मों में भी यही हो रहा होता। और दूसरी बात कि ये कुछ नया नहीं है, जैसे मैम कह रही हैं कि अब ऐसा है या सर ने बोला। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं अपने किशोरावस्था में मैंने अपनी देखा हुआ है कि इस तरीके की फिल्में पहले टॉकीज़ में रिलीज़ होती थी, इस तरीके का साहित्य पहले सारे बस स्टैंड पे उपलब्ध होता था। वो एक अलग जनरेशन थी जो वो फिल्म देखती थी या वो साहित्य खरीदती थी। ये एक अलग जनरेशन है जो अब इसको मोबाइल पर या इंटरनेट के माध्यम से देखती है। लेकिन कुछ हिस्सा वहाँ भी था जो इन सब चीज़ों से गुरेज करता था और वो अच्छी चीज़ें देखता था, अच्छा साहित्य पढ़ता था, अच्छी फिल्में देखता था। और आज भी एक पूरा का पूरा तबका ऐसा है जो कि एक अच्छा साहित्य देखता है, अच्छा साहित्य पढ़ता है और अच्छी फिल्में देखता है, और वेब सीरीज़ में भी बहुत अच्छी कुछ चीज़ें आ रही हैं वो देखता है। तो हर तरीके के लोग हर जगह मिलेंगे और हर तरीके की चीज आपको हर दौर में हर जगह मिलेगी। देखिए, देखा तो हर दौर में जाता था, पढ़ा भी जाता था, पर इतनी ज़्यादा उपलब्धता इतनी आसानी से नहीं थी जो कि इंटरनेट के बाद से हो गई है। मैम देखिए, आसानी से उपलब्ध अब तो हर चीज़ हो रही है, सिर्फ वेब सीरीज नहीं। वेब सीरीज की आज हमको भूख लगती है, हम एक फ़ोन पे खाना अपने घर पे मंगा लेते हैं। पहले हमें भूख लगती थी और घर पे खाना नहीं होता था तो 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। उसके बाद फिर हमारे पास बाइक्स आ गई तो हम बाइक्स चला के जाने लगे। फिर हमारे पास टैक्सी की सुविधा आ गई तो हम टैक्सी करके जाने लगे। अब वो खाना आप लगातार बता रहे हैं कि समाज की जो सच्चाई है हम वो वेब सीरीज के माध्यम से रखे रहे हैं। अगर वेब सीरीज का कोई भी कंटेंट उठाकर देख लिया जाए तो उसमें ज्यादातर अडल्ट कंटेंट्स हैं। वेब सीरीज का जो मेन कंटेंट है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें नहीं लगता कि समाज का आईना ही सिर्फ अडल्ट कंटेंट दिखाना है युवाओं को? नहीं देखिए, ऐसा है कि मेन कंटेंट तो कुछ होता नहीं है। मेन कंटेंट क्या होता आप ये बताइए मुझे। एडल्ट कंटेंट दिखाया जा रहा है अगर वेब सीरीज़ के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि जो भी फिल्मकार हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी आज तक काम करते आए हैं, वो बहुत समय से कुछ ऐसी चीज़ें, अगर सिर्फ मैं अश्लीलता की या सेक्स ओरिएंटेड सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे वो लोग, या जो भी होता था जहाँ भी वो प्रस्तुतिकरण उसका करना चाहते थे, तो वहाँ पे एक सेंसर उसको रोक देता था। और कई बार कई बड़ी ऐसी चीज़ें जो पहुँच जानी चाहिए ऑडियंस तक, जो उसको देखना चाहिए, जो देखने से उसमें, जैसे मैच्योरिटी की बात सर ने कही, वाहिद सर ने, कि हमारे युवाओं में वो मैच्योरिटी नहीं है, तो वो हमारे युवाओं में मैच्योरिटी इसीलिए तो नहीं है क्योंकि उन्हें मैच्योर होने ही नहीं दिया गया है ना। तो वो उस तरीके से रख पाते हैं वेब सीरीज के माध्यम से, शायद वो इसलिए रख रहे हैं। जी वाहिद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार अंश सेंसरशिप की बात कर रहे हैं, तो जो ये वेब सीरीज है इनमें सेंसरशिप ना होने की क्या कुछ वजह है? वजह गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर ध्यान न देना है, और हमारे राजनेताओं की तरफ से भी इसकी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि ये बिना रोक टोक चलाया जा रहा है। जबकि इसकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे गवर्नमेंट की भी बनती है, शासन प्रशासन सबकी बनती है, जिसको देखना चाहिए था और इसको बहुत पहले ही इसमें रोक लगानी चाहिए थी। और उसको, जैसा मैंने कहा कि ऑल डेमोक्रेसीज आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, तो हम बिना लॉ के, बिना बेलगाम होकर चल रहे हैं, तो बेलगाम होकर हमको नहीं चला जाता और ना चलना चाहिए हमको, उस पर लगाम देने की ज़रूरत है। जी, जाहिर सी है कि जो ये वेब सीरीज चल रही हैं और अश्लीलता फैलाई जा रही है आज के युवा समाज में, इसमें नियंत्रण पाने की बेहद ज़रूरत है। मणि जी, आपके पास आना चाहेंगे। अब तक जो इंटरनेट एडिक्शन की बड़ी वजह है वो गेमिंग माना जाता था, जैसे अभी हाल ही में पबजी लॉन्च हुआ था, पबजी एक गेमिंग, इंटरनेट की स्पीड अगर जो भी हो रही थी उसको उसकी वजह माना जाता है। पर हाल ही में जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक वेब सीरीज भी अब इंटरनेट एडिक्शन की बड़ी वजहों में शामिल हो गया है। जी मैम, बिल्कुल सही है कहना आपका कि इंटरनेट में पहले गेम से शुरुआत हुई, फिर लोग नॉलेज के नाम पर देखना शुरू किए
और अभी वेब सीरीज ने साल दो सालों में अपनी जगह बना ली है, क्योंकि जो अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो बना रहे हैं, एक्टर भी अपना नाम कर रहे हैं। और देखिए, रोक लगा देना ही एक प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं है, हम लोगों को जागरूक होना, जैसे सर का कहना कि मैच्योर होना हम लोगों का सबका बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए, सब कुछ हम नहीं परोस सकते हैं कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो जी। ये जहाँ तक मेरा मानना है, सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। किसी का ये कहना है कि भाई सब कुछ दिखा देना चाहिए, तो उसमें पर यह है कि हमको भी तो समझ में आना चाहिए कि उस हर समय तो हर चीज़ मिलती थी, पर कितना हमको लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है। एडिक्ट नहीं होना चाहिए। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इंटरनेट एडिक्ट हो चुकी है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट तक रुक रहा है। क्योंकि एज ए काउंसलर, मैं काउंसलर भी हूँ, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ गई है कि मैम पढ़ने का मन तो होता है पर मैं मोबाइल नहीं छोड़ पाता हूँ। चूंकि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी मणि जी, अंश चूंकि आप एक्टर हैं, ऐसे में आप बखूबी बहुत सी चीजों को हमसे ज्यादा जानते होंगे बॉलीवुड में। अगर बात वेब सीरीज की फिलहाल की जा रही है, वेब सीरीज में कोई समय की पाबंदी क्यों नहीं होती? देखिए, आपकी बात का जवाब देने के पहले मैं अभी जो मणि जी ने बोला उससे मैं बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा। बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। आपने ये वाला जो पॉइंट रखा इससे मैं भी सहमत हूँ कि डेवलपमेंट जो है हमारे बच्चों का वो रुक रहा है। मेरे घर के ही बच्चे आज बाहर खेलने जाने की बजाय मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, मुझे दुख होता है, लेकिन मैं उन्हें किसके पास खेलने के लिए भेजूं, क्योंकि दूसरे घर का बच्चा भी नहीं निकल रहा, मेरा बच्चा जाके अकेले तो खेलेगा नहीं। दूसरी बात जो आपने बोली समय सीमा, तो समय सीमा से मतलब मैं समझा नहीं, शूटिंग के समय सीमा की बात कर रही हैं आप? वेब सीरीज का जो कंटेंट होता है वो कोई 35 मिनट का होता है या फिर 40 मिनट का होता है या फिर लगभग डेढ़ घंटे का होता है? मैम वो स्लॉट्स की समय सीमा, स्लॉट्स पे डिपेंड करता है, स्लॉट्स पे डिपेंड करता है कि कंपनी ने जो जिस भी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अमेज़न पे अपनी चला रहे हैं या नेटफ्लिक्स पे चला रहे हैं, तो उन्होंने आपको स्लॉट कितना बड़ा दिया हुआ है। चलिए, खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वेब सीरीज युवा समाज को अश्लीलता के समाज में धकेल रही है, इस पर कब तक पाबंदी लगती है, क्योंकि इनसे युवा भविष्य भी खतरे में पड़ रहा है। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अमेज़न हो या फिर नेटफ्लिक्स, सीक्रेट गेम्स हो या फिर मिर्जापुर, इन दिनों हर जगह आज के युवा वेब सीरीज के दीवाने हैं, तो वहीं हाथ में मोबाइल और कान में ईयरफोन लगाकर वेब सीरीज देखने में मगन रहते हैं। इन्हीं वेब सीरीज में ज्यादातर कंटेंट अश्लील होते हैं, जिसकी आज का युवा लगातार आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हमारी चर्चा में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।